चिराग ने पीएम मोदी के नाम के पढ़ने लगे कसीदे तो बीजेपी के कई खास करके बिहार बीजेपी के कई नेताओं के सीने पे लौटने लगा सांप। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान पीएम मोदी को लेकर कितने सीरियस है वो आए दिन चिराग पासवान के भाषण में भी दिखता है। चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमेशा से काम करना चाहते थे। चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने गुरु के तौर पर भी देखते हैं। वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी भी चिराग पासवान को अपने हनुमान के तौर पर देखते हैं। आए दिन जब भी चिराग पासवान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हैं तो उनसे गले जरूर मिलते हैं। यहां तक कि चिराग पासवान से गले मिलते हैं, चिराग पासवान उनके पांव को छूते हैं। ये तस्वीर जो है वो बहुत कुछ बयां भी करती है। ये तस्वीर उन दोनों के भावों को बयां करती है जो चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए महसूस करते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी जो चिराग के लिए महसूस करते हैं। बीते दिन एक तस्वीर और जो है वो जारी हुई जहां पर चिराग पासवान अपने जीते हुए प्रत्याशियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि चिराग पासवान के साथ उनके जीते हुए तमाम चार प्रत्याशी जो हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। पीएम मोदी को जो है वो गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद चिराग पासवान ने तारीफों की कशीदे पढ़ दी तो वहीं दूसरी ओर बिहार बीजेपी के कई नेताओं की जो है वो टेंशन इससे बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं वे सार्वजनिक मंच से चिराग पासवान की तारीफ करते हैं। देखिए, पीएम ने नीतीश कुमार के साथ भी मन साझा किया, तब उन्होंने कहा मेरा छोटा भाई चिराग पासवान मेरे मित्र, अपने जो आगे जो बढ़ रहे हैं वैसे ही आगे बढ़िए। पीएम ने रामविलास पासवान की भी तारीफ की, उसके बाद चिराग पासवान की भी तारीफ कर रहे थे। सवाल पीएम की तारीफ के बिहार के संदर्भ में देखने का है तो यहाँ के कुछ बीजेपी नेताओं पर इसका असर तो पड़ेगा ही। पीएम मोदी ने अभी तक बिहार के किसी भी बीजेपी नेता की तारीफ नहीं की, कभी भी सार्वजनिक मन से बिहार के नेताओं की तारीफ नहीं करते। नीतीश भले तारीफ करते हो, उन्होंने बिहार बीजेपी के स्थानीय नेताओं पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। बिहार बीजेपी के जो युवा चेहरा हैं, वो चिराग पासवान से थोड़े सीनियर हैं। उन्हें ये लग सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार में जब पावर ट्रांसफर या बड़े पद की बात होगी तो सहयोगी में पीएम चिराग पासवान को चुन सकते हैं। एक तरफ जहां आपको पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के प्रदेश सदस्य सम्राट चौधरी या फिर विजय कुमार सिन्हा क्यों ना हो, पीएम ने कभी नेताओं की जमकर तारीफ नहीं की है। स्वाभाविक है कि बीजेपी के नेताओं की छाती पर सांप लौटने जैसी बात है। चिराग पासवान की उम्र कभी अभी कम है, उन्होंने सियासत में अपने धैर्य का परिचय देते हुए अपनी योग्यता भी साबित की है। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसदों से मुलाकात की। कहा उन्होंने इस बात की खुशी है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के खुद के योग साबित किया है, वो अपने पिता के सपनों को पूरा कर रहे हैं। चिराग पासवान लोजपा रामविलास के अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं। समाजवादी नेता रामविलास पासवान ने लोजपा का गठन किया, उनके निधन के बाद पार्टी दो धड़ों में विभाजित हो गई। एक धड़ के नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस कर रहे, तो दूसरे धड़ का नेतृत्व चिराग पासवान ने अपने हाथों में लिया है। दरअसल पीएम मोदी से मुलाकात करके तस्वीर साझा करते हुए रामविलास पासवान जी मेरे बहुत प्रिय मित्र थे, जिनकी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि से मुझे याद आती है उनकी बातें। मैं खुशी हूँ कि चिराग पासवान ने खुद को योग साबित किया, रामविलास पासवान जी के सपने को पूरा कर रहा है। पार्टी जो है वो इसके सहयोग देगी, मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान जब पीएम मोदी से मुलाकात किए और पीएम मोदी ने जब चिराग पासवान की तारीफ की तो कहीं ना कहीं बीजेपी के कई नेताओं को ये बातें जो हैं वो चुभ सकती हैं। चिराग पासवान भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए तो पीएम मोदी भी चिराग पासवान की तारीफ करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हैं और चिराग पासवान के बारे में कई बातें लिखते हैं।